हाय, एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बता सकते हो ये फोटोज कैसी आई हैं? अरे देखो तो, ये वाली अच्छी है ना? अरे सर लाने को नहीं बोल रही यार, कुछ प्रॉपर रिव्यू तो दो। पता है मैंने ना 25 फोटोज खींची थी, उसमें से सबसे अच्छी ये वाली है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है काफी। थैंक्स। वैसे तुम क्या काम करते हो? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? बड़े वेले हो। तभी यहाँ पे बैठ के पार्क में बस लिख ही जा रहे हो। कोई बोल रहा है कि प्रॉपर रिव्यू दे दो तो वो भी तुमसे नहीं दिया जाता। मैं कौन सा खा रही थी? यार वो कल के लिए सॉरी, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया ना मैंने। इट्स ओके। आर यू श्योर? मैं ना ऐसी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मुझे लोगों से बात करना, नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। वैसे आर यू लोकल हेयर? बहुत भूख लगी है। कोई कैफे या रेस्टोरेंट है क्या आसपास? सर्च कर लीजिए। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर्च तो मैं भी कर लेती ना यार, बट यू नो कोई हिडन जेम डिस्कवर करना है जहाँ फोटोज भी अच्छी आ सकें। रेस्टोरेंट का तो नहीं पता, बट यहाँ आगे जाकर एक डैम लेक टाइप है जहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक करवा सकती हैं, और खाने का भी आई थिंक कुछ हो जाएगा। ओके, बाय द वे योर नेम? विहान। ओके थैंक्स विहान, सी यू। विहान, हाय, कैसे हो? यार मैं ना कल वो लेक ढूंढने गई पर मुझे मिली नहीं, और मैप्स ने मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। यार इफ यू डोंट माइंड तुम मेरे साथ चल सकते हो प्लीज? पर हमें तो काम है। अरे तुम जो भी लिख रहे हो वहाँ जाके लिख ले लेना यार प्लीज। एक्चुअली मैं ना एक मैगजीन में काम करती हूँ, और एक आर्टिकल के लिए मुझे किसी भी हालत में परसों तक पिक्चर्स भेजनी है। प्लीज मेरे साथ चल लो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, पर हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अरे हाँ आ जाएंगे वापस जल्दी, पहले चल तो लो, आने की तुम्हें पहले पड़ी है। चलो। वैसे तुमने बताया नहीं तुम क्या करते हो। हेलो, क्या करते हो तुम? राइटर है। अरे वाह, शौक के लिए लिखते हो या प्रोफेशनली? मतलब? अरे मतलब आर्टिकल वगैरह लिख लेते हो? हाँ हाँ। मेरा एक आर्टिकल लिखोगे क्या? अरे फेवर नहीं मांगते यार, पे करेंगे तुम्हें, हमारी मैगजीन को रिक्वायरमेंट है। वैसे कोई कोर्स वगैरह करा है तुमने? हाँ, एमए इंग्लिश किया है। तो फिर तो बढ़िया है। फिर आगे से राइट। क्या? आगे से राइट। जोर से बोलो ना। आगे से राइट। हाँ ओके यार, चिल्ला क्यों रहे हो? तो डन है फिर, तुम ये वाला आर्टिकल लिखना, मैं अपने बॉस को दिखाऊंगी एज अ सैंपल ऑफ योर वर्क। ठीक है। सिर्फ 2 दिन है मेरे पास, तब तक लिख सकते हो? कोशिश करेंगे। वाओ विहान, यार ये लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है। संभल के, गहराई बहुत है लेक की,
गिर जाएंगे आप। अरे उठने का जज्बा रखने वाले गहराइयों से नहीं डरते राइटर साहब। चले राइटर साहब। हो गया आपका? हाँ, अच्छी फोटोज आ गई। आप तीन लोकेशन तो ऑलरेडी डन थी, एक अब हो गई, एक और चाहिए। तुम्हें पता है क्या कोई? हाँ पता तो है। तो कल फ्री हो? कल चलें। तो कल 11 बजे मिल रहे हैं या फिर? तुम्हें एक बात बताऊं, पहले ना मुझे तुम बहुत अकड़ू लगे, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मुझे लोकेशंस दिखाने भी लेके जाओगे, पर मैं गलत थी। वो तो आपको अर्जेंट था इसलिए हम आ गए। हाँ हाँ ठीक है, पर हाँ लोकेशंस थी बहुत कमाल, मतलब मज़ा आ गया यार, बहुत सुंदर। यार कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। क्या बताएं? अरे अपने बारे में कुछ बताओ ना, कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा ब्लू क्यों डालते हो? मतलब मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम हमेशा ब्लू कलर के कपड़ों में हो, क्यों? वो ब्लू हमारा फेवरेट कलर है। अच्छा क्यों? बस बचपन में पापा और हम गाँव में घंटों आकाश को देखते थे कि कौन सा पंछी आ रहा है कौन सा जा रहा है, तब से हमारा पसंदीदा कलर है। अच्छा तो फिर ऐसे तो तुम्हारा नाम भी आकाश होना चाहिए था। अरे आओ ना आकाश, क्या हो गया? अरे मतलब ध्यान। वैसे राइटर साहब तुम्हें इतने प्यारे प्यारे लोकेशंस पता कहाँ से हैं? वो हम राइटर हैं तो अलग अलग जगह लिखने का शौक है, और ये वाली जगह तो वैसे भी हमें हमारे गांव की याद दिलाती है। विहान कुछ करो। क्या करें? अरे कुछ भी करो यार। अच्छा करो यार। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। विहान ये देखो। प्यारी फोटोज आई है विहान, तुम्हें पता है तुमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। हेलो अविनाश, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दो यार, तुम्हें समझ नहीं आता। आई हैव मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, प्लीज इस बात को समझो, प्लीज जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, अब तुमने मुझे कॉल किया ना तो पुलिस में दे दूंगी। व्हाट? हेलो तारा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डेडलाइन है कल, मुझे वो पूरा आर्टिकल चाहिए ही चाहिए, अब तक तुम्हें पिक्चर सबमिट कर देनी चाहिए। जी सर, हाँ मैं समय बस एडिटिंग कर रही हूँ। तुम अभी भी एडिटिंग पे ही हो? दिस इज रिडिकुलस, अगर कल तक मुझे पूरा आर्टिकल नहीं मिला ना तो यू आर फायर्ड। जी सर। तुम
तुम सोशल मीडिया पे हो क्या? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो एक काम करो कि एक पहाड़ी पे चढ़ जाओ और सन्यास ले लो, कहानियों का कंटेंट भी मिल जाएगा तुम्हें। बनाएंगे कभी, लेकिन अभी अभी सोचा नहीं। जल्दी जा रहे हो? हाँ, वो घर पे कुछ काम था। अरे सुनो तो, कल क्या हुआ? मैंने घर जाते ही पिक्चर्स एडिट करी एंड दे टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद ना मेरे वो खड़ूस बॉस का कॉल आ गया। इतना सुनाया उसने मुझे, इतना सुनाया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पता नहीं किस बात के उसको दुख रहते हैं यार। लगता है पूरा दिन बीवी से लड़के बैठता है और फ्रस्ट्रेशन हम पे निकालता है। छोड़ो, तुम वो आर्टिकल आए? हेलो आर्टिकल? हाँ। शुक्र है यार तुमने लिख दिया। सारा काम ये मुझसे करवाते हैं। आर्टिकल भी मैं लिखूँ, पिक्चर्स भी मैं खींचूँ, एडिट भी मैं करूँ, मतलब सारा काम मुझे दे रखा है। बताओ, अरे जल्दी करो यार, कितना टाइम लगाते हो? दो। भाई यार, स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी करी है। तारा? हाँ? वो हम कल डैम पर गए थे। अरे रुको ना यार, मुझे पढ़ने दो, बाद में बोलना। अच्छा, हम चलते हैं। ये तो बहुत प्यारा लिखा तुमने। Everyone is going to love this, Vihaan, this is beautiful. क्या हुआ, जा रहे हो? वो बताया था ना कि घर पे कुछ काम है तो। अच्छा, ओके। थैंक यू फॉर दिस, कल मिलते हैं 11 बजे। वो मुझे भी सबमिट करना है तो मैं भी निकल रही हूँ बस। बाय। हेलो। हाँ माँ, नमस्ते। हाँ, हम ठीक हैं। छोटू और पापा कैसे हैं? दवाई ले रहे हैं समय से? क्या आवाज़? हाँ, वो बाहर से आए ना, इसलिए थकी थकी लग रही होगी। हाँ माँ, बस वो काम का थोड़ा प्रेशर है, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है माँ, बता तो रहे हैं आपको। माँ, ये दुनिया ही मतलब ही है, सिर्फ हमें ही ऐसे लोग मिलते हैं। बचपन से ही होता आया है माँ, लोग जब चाहे जैसे मर्जी हमारा यूज करके फेंक देते हैं। हम इतने वीक हैं क्या माँ कि कोई कुछ भी हमारे साथ करके चला जाता है? सब सेल्फिश होते जा रहे हैं माँ, कोई नहीं सुनता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, बोल तो रहे हैं हम आपको। आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। Thank you.
बहुत बिजी हो राइटर साहब? तारा? जी हाँ मैं, और ये टूटता तारा तुम्हारे घर पर आ गिरा है। अब इस तारे को अंदर बुलाओ। हाँ अंदर आइए। शुक्रिया। सॉरी वो हम लिख रहे थे तो। कोई बात नहीं। घर तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। हाँ वो अभी शिफ्ट किया है बस। अरे आओ ना बैठो यार, छोड़ो उसको। वैसे आपको घर कैसे मिला? इसकी वजह से, पार्क में भूल आए थे उस दिन, एड्रेस मेंशन्ड अंदर। ओह थैंक गॉड मिल गई, बहुत ढूंढा इसे हमने। अच्छा कब ढूंढा? पार्क में तो आए नहीं तुम दो दिन से। वो सुबह आए थे, वो दोपहर में कुछ काम था, पानी देना तो भूल ही गया हम आपको। एक सेकंड। वैसे क्या हुआ? हुआ ये कि मेरे बॉस को तुम्हारा आर्टिकल बहुत ज्यादा पसंद आया। वो तो उस दिन शुरू हो गया था कि और कंटेंट लाओ और कंटेंट लाओ, पर तुम तो आए नहीं, तो मैं फोटोज कहाँ से क्लिक करती? तो तुम्हारी डायरी तो थी मेरे पास, मैंने उसमें एक पोएम पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो और अपने कुछ पुराने क्लिक के पिक्चर्स ना भेज दी। उसके बाद तो वो आपने क्या किया? हाँ वो तुम्हारी तारा, आर यू इन योर राइट सेंसेस? आपने बिना हमसे पूछे हमारा वर्क पब्लिश करवा दिया। आपको कोई आइडिया है कि एक थॉट को पेपर पे उतारने में कितनी मेहनत, कितना समय लगता है? एक बार हमसे पूछ लेती तारा, आपको क्या लगता है कि आप कौन है? दो दिन मिले तो आपको लगा कि हम अच्छे दोस्त बन गए। तारा रिश्ते ऐसे नहीं चलते, एक तरफ से तो बिल्कुल नहीं, दूसरों को अहमियत देना तो जैसे भूल गए हैं लोग। एक बार हमसे पूछ लेती हम मना थोड़ा करते तारा। लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको उनकी जरूरत है। ये कहां की समझदारी है तारा? विहान मैंने तुम्हारी पोयम भेज दी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। पर तुम मेरी बात भी तो समझो ना यार, तुम आए नहीं तो मैं फोटोज कैसे क्लिक करती मैं? पर ये कहां की समझदारी है तारा? हम नहीं आए तो आपको लगा कि अब आपका काम कैसे होगा? तो चलो सिचुएशन का फायदा उठाया जाए। एंड यू फ्रीकिंग गिव माय पोयम इन, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है तारा? विहान तुम एक राइटर हो और मेरे से ज्यादा वर्ड्स को तुम अच्छे से समझते हो। यू नो हाउ मच दे कैन हर्ट अ पर्सन, बट इट्स ओके, मेरी गलती है, मुझे नहीं भेजनी चाहिए थी तुम्हारी पोयम। कुछ भी बोले जा रहे हो यार। पर मैं तो कह रही थी कि मेरे बॉस को तुम्हारा आर्टिकल बहुत पसंद आया, एंड ही वांट्स अस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन शिमला, बट कहीं मैं फिर से तुम्हारा फायदा ना उठा लूँ ना। मिस्टर विहान, मेरी कंपनी की तरफ से दिस इज एन ऑफिशियल प्रपोजल, वी विल पे यू 20,000 फॉर 2 weeks, बाकी तुम्हारे ऊपर। I'll take your leave. And sorry for bothering you. Tara. तुम्हारा पर्स रह गया।
कहाँ घूमो राइटर साहब? तारा, आपने कभी सोचा है कि इस सड़क से हर रोज कितनी गाड़ियां गुजरती होंगी? नहीं। हर गाड़ी में एक नई कहानी, एक नई जिंदगी रूप बदलते हुए। जैसे वो गाड़ी, उस गाड़ी में वो अंकल कितने गुस्से में लग रहे हैं। पक्का बीवी से लड़के आए होंगे, क्या किसी बात से परेशान होंगे। और वो बाइक पे आंटी कितनी खुश लग रही हैं। पक्का हस्बैंड ने दिला दिया होगा मार्केट से कुछ। और वो स्कूटी देखो कितनी खाली है, वो कौन बैठेगा उस पे? वो तो हमारी है तारा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं हम, चलो काम पे नहीं जाना। ये गाड़ियों की कहानी के चक्कर में अपनी कहानी मत भूल जाना तुम। कितना सुंदर है ना यार ये, तुम्हारे यहाँ डांस करने का मन नहीं कर रहा? हाँ हाँ, हाथ दो दो ना। तारा, सड़क है, लोग देख लेंगे। तो देखने दो, अगर लोगों का सोचोगे तो अपनी कहानी कैसे लिखोगे राइटर साहब? लाओ हाथ दो। केकली नहीं डाल रहे हैं, दूसरा दो। पीछे जाओ, आगे आओ। अरे घूमना नहीं है। हमसे नहीं होगा तारा। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अरे ये हमारी चाय है, वो भी झूठी, उसी में बिस्किट। बचपन में नानी ने हमें कभी किसी का झूठा नहीं खाने दिया, यहाँ पर झूठा भी खाना पड़ रहा है। अब जैसा शहर वैसा ढंग, नौकरी ली है तो ये भी करना ही पड़ेगा, पहाड़ भी चढ़ना ही पड़ेगा। तारा को तो लगता है कि लोकेशन ढूंढना बहुत आसान है, पर इतना आसान है नहीं। वैसे इतने दिनों में हमें ये तो समझ आ गया है कि तारा में पेशेंस की थोड़ी सी कमी है। लो अभी ने ये भी करना है। अब इन्हें कौन बताए कि जिसका काम क्या कहते हैं, हाँ उसी को साजे। हाँ अग्रवाल साहब, आपके प्रोजेक्ट पे ही काम चल रहा है। हमने लोकेशन डन करी थी ना रिजॉर्ट वाली। हाँ हाँ, वो लिखावट का काम रह गया, वो तो एक दो दिन में हो जाएगा। आप कहते थे मैं सैंपल भेज देता हूँ आपको फोटोज के। हेलो जी अग्रवाल सर, हम आपको 5 मिनट में फोटोज भेज देते हैं। ओके बाय, ये लो। क्या देख रही है? सारा दिन बस काम। ए, लोगों के पास काम नहीं होता, हमारे पास है तो कर रहे हैं। तुम ना पहले ही ठीक थे, कम बोलते थे पर कम से कम मेरे पे ध्यान तो देते थे। टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है, मैं भी हो गया। इतना नहीं होना था चेंज। हाँ, तुम तो हुई नहीं चेंज। पहले कैसे बंदर की तरह इधर से उधर कूदती रहती थी, अब कितनी समझदार हो गई हो ना। ए! सॉरी। ठीके। अच्छा ये देख, मैंने आज एक शेर लिखा, सुनाओ। इशाद। 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 हाँ। सुन, हमारा उनकी नजर में बसर होने का असर वो रहा, हमारा उनकी नजर में बसर होने का असर वो रहा, हम उनके दिल में घर कर गए और वो बेखबर रहा। वाह 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 वाह। मेम साहब मुंह बंद करो, वो देखो मक्खी घुसा जा रहा। हाय जी। चल चले। कहाँ? चल तो। अरे कहाँ? अरे चल ना। मजा तो बहुत आ रहा है, बदलाव किसे नहीं पसंद होता, मुझे तो बहुत है। किसी ने सच्ची कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती।
इस बदलते वक्त की हवा इतनी खूबसूरत होगी कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। ना किसी का डर, बिल्कुल बेपरवाह, मैं और मेरी तारा, क्या बात है। कभी कभी अनजाने में ही कोई इंसान हमारी जिंदगी में आकर उसे बदल देता है। कैसे दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर भी एक दूसरे की हर बात को धीरे धीरे समझने लगते हैं, एक दूसरे का साथ देने लगते हैं, और देखते ही देखते कब वो इंसान हमें हमारे सबसे खूबसूरत रूप से रूबरू करवा देता है पता ही नहीं चलता। हमें यकीन होता है कि जब तक ये इंसान हमारे साथ है, जिंदगी की हर मुश्किल खड़ी को पार करना मुमकिन होगा। लेकिन उसके होने की कद्र हमें तब ही क्यों होती है जब वो हमसे दूर चला जाता है। आज यूं तो तारा और बिहान साथ नहीं है, पर आज मैं अपने साथ सिर्फ एक कहानी नहीं लेकर जा रहा, लेकर जा रहा हूं तो उनकी वो यादें, उनके वो पल जो मेरे पन्नों में हमेशा अमर रहेंगे।